वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेवन. हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2 एंड इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आप इसे कितना भी रिड्यूस कर दो, इतना इस लिमिट तक इसको डिडक्ट कर दीजिए कि उसके बाद ये कैंसिल आउट ना हो पाए. दैट मीन्स ये 3 है ना, ये किसे कैंसिल होगा? 3 1 3 एंड दिस विल बी गॉन फ्रॉम 11. तो ये हो जाएगा आपका आंसर -1/11. अब देखिए इन दोनों में इनका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, ये दोनों अब किसी से भी डिडक्ट नहीं हो सकते. सेम आपको यहाँ पर भी करना है. 40 एंड 25 लिखा हुआ है ना, तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे. 5 से 5 8 जा एंड 5 5 जा 25, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/5. ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट. सेम एज इट इज़ आप सी एंड डी को भी करेंगे एंड डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक. ही आपको क्वेश्चन बुक में ही करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. फाइंड टू रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपको यहाँ पर क्या है, टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. फॉर दिस यू हैव टू डू वॉट. इसके लिए आपको क्या करना है, टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको करना ये है कि आप इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 से. ठीक है, तो आपको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा. और दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो कि इक्विवेलेंट हो, उसके लिए आपको क्या करना है, सेम नंबर का 27/48 में आप 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करा दीजिए और डिनोमिनेटर में भी करा दीजिए. तो आपका क्या आ जाएगा, थर्ड रेशनल नंबर आ जाएगा. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो रिड्यूस इट. नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ये आपको खुद से सॉल्व करना है एंड डू इट इन योर बुक ओनली. आप बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा इसे. यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 1. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इसमें क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम एक्स को यही रहने देते हैं. एक्स को ले जाने की नीड नहीं है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. हम 12 को यहाँ पर ले जाएंगे. तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से आपका सॉल्व होगा, 5 × 12/8 = x. ठीक है, x को हम यही रखा रहने देते हैं. नाउ अब ऐसे आप रिड्यूस कर सकते हैं. ये हो जाएगा 2 4 × 2 6. इसे आप डायरेक्टली 4 से भी कर सकते हैं, 4 2 8 and 4 3 12. ओके, ये आपका लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा, 5 3 15. अब आंसर आएगा आपका 15/2. ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू. इस तरह से आपको फाइंड करना है एंड डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी. ये आप कॉपी में करेंगे अपनी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है, इसे आप क्रॉस कर दीजिए. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. आपको बताना है इनमें से कौन से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है. तो इसे बताने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे. आप इसको लोएस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, कट करेंगे. और इसे भी आप लोएस्ट फॉर्म में कट करेंगे. लोएस्ट फॉर्म में कट करने के बाद जब आप देखोगे इसका भी, जो लोएस्ट फॉर्म में इसका फ्रैक्शन आता है, उसका फ्रैक्शन इसके लोएस्ट फॉर्म के फ्रैक्शन के इक्वल है, वही आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का पेयर होगा. दैट इज, अगर आप 36 और 90 को डिडक्ट करते हो, किससे करोगे, 6 से कर लेते हैं. 6 6 36 एंड देन ये आपका हो जाएगा 6 15 6 90. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6/15. और फिर जब दोबारा से आप डिडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 एंड 3 2 6. ये हो गया 2/5. जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो भी आपका फ्रैक्शन आना चाहिए 2/5. अगर आपका फ्रैक्शन 2/5 इसको भी लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद आता है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट पेयर है. और अगर दोनों के लोएस्ट फॉर्म के फ्रैक्शन मैच नहीं करते हैं तो दैट मीन्स वो इसका पेयर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का पेयर नहीं है. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा. आप पार्ट ए एंड पार्ट बी कर लेना इस क्वेश्चन में, राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर. इनमें ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करना है जो हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करते थे. पहले हम एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके फिर हम देखते थे कौन सा नंबर बड़ा है. तो आपको ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा. पार्ट ए एंड पार्ट बी करेंगे आप नोटबुक में. यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 5 नोटबुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 6 नोटबुक में करना है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पर आप पार्ट ए कर सकते हो नोटबुक में. एंड इन क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू डू द पार्ट ए इन योर नोटबुक. ये आपके नोटबुक में होंगे. इसमें करना क्या है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये
मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो फर्स्टली इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा. ओके, ये हो जाएगा 9/4. देन क्या करना है, पहले सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. ये मेथड मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि कैसे अरेंज करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग रेशियल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में आपको छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बड़े से छोटे के फॉर्म में अरेंज करना होता है. नेक्स्ट है आपका फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियल नंबर. इसमें आपको पार्ट ए करना है एंड पार्ट बी करना है, राइट. एब्सोल्यूट वैल्यू का मींस होता है कि हम इस नंबर का मॉड निकालते हैं. इस नंबर का जो भी गिवन नंबर है आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस नंबर पे क्या लगाते हैं, मॉड. जैसे कि हमने लिखा 1-5/7 और मॉड. और जब भी हम मॉड के बाहर कोई वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है, चाहे उसके अंदर साइन लगा हो माइनस का, लेकिन जब हम मॉड के बाहर उस वैल्यू को निकालते हैं वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव. यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू चाहे कैसी भी हो हमें उसे पॉजिटिव ही लिखना है. ये आपका लिखा है 4/-3, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3, 4/+3. ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा. आपको पार्ट ए एंड बी करना है, नोटबुक में ही करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 5/8. ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आप नोटबुक में ही करेंगे. एंड आई विल प्रोवाइड द नेक्स्ट वीडियो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. 3, 5, 6, 7 and 8, 9. ओके, ये आपको क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको नोटबुक में करना है. आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन वीडियो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो. क्लियर एवरीवन? नाउ स्टार्ट डूइंग द वर्क.